दरभंगा जिला के रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में तानसेन हाउस ने बाजी मारी। लगभग 20 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन बैलेंस रेस जूनियर ग्रुप में अनुभव, शिवम और पीयूष ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए। जूनियर ग्रुप के छात्राओं की मैथ्स रेस में प्रतिष्ठा, इशिका और दिव्यानी आगे रही तो 3री और 4थी कक्षा के 50 मीटर रेस में आयु, शिवानी और कृष्णा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में श्रेयन, पवन, शाश्वत, अंकित, साहिल आदि की टीम अव्वल रही। लड़कियों की चैंपियन टीम बनी आर्या, सपना, नेहा और श्रुति आदि की टीम। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभागिता और प्रतिस्पर्धा का भी अपना महत्व है, जो हमें जीत हार से अलग जिंदगी की शिक्षा देता है। स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में खेल की भांति ही सकारात्मक ऊर्जा से सफलता की प्राप्ति होती है। स्कूल के प्राचार्य शालिनी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल से ही बच्चे की दबी हुई प्रतिभा बाहर आती है, जो उसे और अधिक निखरने में सहयोग करता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वे सबल होते हैं। आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है रामबाग में, उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है। और इस स्पोर्ट्स डे में हमारे समझ से ये जो दिन होता है बच्चों के ज़िंदगी का सबसे, उस पूरे वर्ष का सबसे आनंददायक दिवस होता है, जिसमें बच्चे पूरी तरह चिल्लाते हैं, हंसते हैं, दूसरों को हुट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कभी खुशी मनाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व निखर के आ जाता है इस दिन। और ये दरभंगा पब्लिक जूनियर पब्लिक स्कूल ने इसको बहुत ही ढंग से मनाया है। पिछले 1 सप्ताह से ट्रायल चल रहा था, अलग अलग हाउसेज में डिवाइडेड हैं बच्चे, और उन हाउसेज के आधार पर ही यहाँ कम्पटिशन्स हो रहे थे, अलग अलग तरह के कम्पटिशन, 50 मीटर, 100 मीटर, हर्डल रेस, 11 क्यूस रेस, मैथमेटिक्स रेस और भी तरह के कई इवेंट्स हुए हैं और बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया है। ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो कि रामबाग में अवस्थित है, इसमें एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है 18 से लेकर के 22 दिसंबर तक। तो आज 22 दिसंबर को इसका जो समापन समारोह और पुरस्कार वितरण है वो है, और कुछ जो इवेंट्स बचे हुए थे वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। नर्सरी से लेकर के क्लास 10वीं तक के इसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और कुल मिलाकर के 30 अलग अलग प्रतियोगिताएं थी, जिसमें कि कुछ जो है वो इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स थे और कुछ ग्रुप कॉम्पिटिशन्स थे। अगर मैं उदाहरण दूं आपको तो जो इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स हैं इसमें ट्रैक इवेंट्स में 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, स्पून बुलेट रेस, कोन बैलेंसिंग बच्चों के लिए, मैथ्स रेस, ये सब ऑर्गेनाइज हुआ था। जो टीम इवेंट की अगर एग्जाम्पल दूँ आपको तो हैंडबॉल या कबड्डी, इन सब इवेंट्स का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है इसको। देखिए, दो पहलू है इसको देखने का। एक तो ये है कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर कौन से बच्चे बना पा रहे हैं, कितना बना पा रहे हैं। ऑनेस्टली इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें जगह बहुत कम है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए, बट बाय एंड लार्ज अभी स्पोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ पर्सन जो कि करियर बना सकते हैं वो हिंदुस्तान में कम है। एग्जाम्पल के लिए कि हर एक साल हिंदुस्तान में 6 लाख नए इंजीनियर चाहिए,
लेकिन आईपीएल प्लेयर तो 10-15-20 ही चाहिए। तो ये एक जिस तरह से समाज की संरचना है उसमें स्पोर्ट्स के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। दूसरा पहलू है कि स्पोर्ट्स का एक आम इंसान की जिंदगी में क्या प्रभाव हो सकता है। वहां मुझे लगता है कि एक तो फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, खासतौर पर जो पोस्ट कोरोना हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हेल्थ कोई पोस्ट 60 या पोस्ट 70 ईयर्स की बात नहीं है, एट ए वेरी यंग एज हेल्थ एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनता जा रहा है, इसीलिए स्पोर्ट्स डेफिनेटली उसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। दूसरा, पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही कारगर है। मुझे नहीं लगता कि पूरे साल हम लोग बच्चों को इतना खुश किसी और दिन देखते हैं जितना कि उसको स्पोर्ट्स वाले दिन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनैलिटी में ये भी एक आयाम है कि वो खुश रहे और हैप्पीनेस को अपने आसपास स्प्रेड करे। प्लस अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, हर एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई कर सकता है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जहां की उसको एक दूसरे पे डिपेंड होना होगा और एक ग्रुप डायनेमिक्स सीखता है जो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अकेले एक एक बिल्कुल इंडिविजुअली और बिल्कुल आइसोलेशन में मेहनत करके आगे बढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको समाज में आवश्यकता होती है दूसरे लोगों की, इसलिए आपके अंदर ग्रुप डायनेमिक्स होना चाहिए और ग्रुप डायनेमिक्स सीखने के लिए आपको स्पोर्ट्स से बेहतर कोई दूसरा मेरे ख्याल से तरीका नहीं हो सकता है।